फ्रेंड्स, BIRRecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को दाल मखनी बनाने की विधि बताऊंगी। तो देखिए, हम यहाँ उड़द दाल, थोड़ा सा चना दाल और राजमा थोड़ा सा ले लिए हैं और इसको हम अच्छे से रात में भिगो दिए थे और सुबह इसको अच्छे से दो तीन पानी धो करके इसको साफ रख लिए हैं। इसमें हम चार पीस जो है, चार कली लहसुन का और ये आधा टुकड़ा जो है, दो टुकड़ा लिए हैं प्याज है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, ये है, ये एक तेज़पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और एक हरी लाल मिर्च है, इसको भी डाल करके। और इसमें हम लगभग दो से ढाई गिलास पानी डालेंगे, दो गिलास पानी डाल देंगे और इसे दो से तीन सीटी हम कुकर में लगा लेंगे अच्छे से। इस थोड़ा सा इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि अच्छे से जल्दी से ये गल जाए। और अब हम यहाँ लिए हैं, ये मसाले के लिए लिए हैं, एक प्याज है मीडियम साइज़ का, एक टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है और जीरा और काली मिर्च है। इसको बारीक पीसेंगे। तो देखिए, यहाँ अच्छे से जो भी हम लिए थे, राजमा दाल सब चीज़ अच्छे से उबल गया है और इसमें का जो भी हम लिए हैं खड़ा मसाला वो निकाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तेज़पत्ता और जो भी खड़े मसाले थे उसको हम निकाल के हटा देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके आगे दिखाते हैं। हम गैस पे चढ़ा दिए हैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए। तो देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे बटर और जब तक हमारा बटर मेल्ट हो रहा है तब तक हम इसमें डाल देंगे अब आधी छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिए हैं, थोड़ा ये चटकने लगे तो जो हम मसाला पीस के रखे हैं, प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्च हरा धनिया जीरा काली मिर्च, उसको डाल के अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, जब तक मसाला भुन रहा है इसमें और मसाले ऐड करेंगे। तो आधी छोटी चम्मच हम ले लिए हैं, ये गरम मसाला है, जो भी खड़े गरम मसाले डाले थे उसका फ्लेवर उसमें आ गया था दाल में, तो हम वो निकाल दिए हैं। अब हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और एक छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। नमक थोड़ा सा पहले भी उबालते समय डाले थे तो बिल्कुल आधी छोटी चम्मच हम इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तीखा और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। अब हम डालेंगे इसमें छोटी चम्मच, ये आमचूर पाउडर है, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए, मसाला अच्छे से भून गया है, इसमें हम डाल देंगे जो सभी दाल लिए हैं वो डाल करके अच्छे से इसे दो मिनट पकाएंगे मसाले के साथ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से दाल मखनी बनाइएगा तो आपको बहुत लोग तारीफ करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे बटर, पहले भी हम बटर में ही बना रहे हैं, दाल मखनी में बटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। तो और बटर डाल दिए हैं एक चम्मच और इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे, एक अच्छी उबाल आ जाए। थोड़ा सा हम इसमें क्रीम डालेंगे, दो बड़ी चम्मच। अब हमारे पास फ्रेश क्रीम है तो इसे भी डाल करके और अच्छे से चला लेंगे। यहाँ दो से तीन चम्मच हम डाल रहे हैं क्रीम और इसको चलाते हुए एक अच्छी उबाल आ जाए तब तक हम इसे चलाएंगे। तो देखिए, दाल मखनी का जो कलर आता है वो बहुत ही अच्छा से आ गया है, बटर भी इसमें मिल रहा है और एक अच्छा उबाल जो है। तो देखिए, दाल मखनी में एक अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया मिला लिए हैं, ये बन के बिल्कुल रेडी है। इसको नान के साथ या आप चावल के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसको आपको दिखाते हैं किसी बर्तन में निकाल के। तो देखिए, क्रीम और बटर से ऊपर से हम इसको सजा लिए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल BIRRecipe सीमा तिवारी है उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज है उसको लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको दाल मखनी की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।